हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए कटहल की सब्जी लेकर आई हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आइए मैं आपको इसकी सामग्री बता दूँ। कटहल की सब्जी बनाने की सामग्री है 500 ग्राम कटी हुई कटहल ली है। मसाला बनाने के लिए 2 कटे प्याज, 2 तेज पत्ता है, थोड़ा सा छबीला, दालचीनी 1 इंच के बराबर, फुल चकरी 2, 2 बड़ी इलायची, पीसते समय इसका छिलका उतार लेना है, 10 से 12 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे हमने पीसकर ये पेस्ट तैयार कर लिया है। और हमें 3 टेबल स्पून तेल लगेगा। इस सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक। चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कटहल को साफ कर लेंगे। जब हम मार्केट से कटहल लाते हैं तो वो इस तरह से होती है, छिलका उतरा हुआ रहता है। अगर बहुत अच्छे से छिलका न उतरा रहे, थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखे, तो आप फिर से एक बार उतार सकते हैं। और जो इसका सामने का हिस्सा है, ये मोटा होता है, ये पकता नहीं है, इसे हम निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से। और इसके जो बीज होते हैं, इसके बीज के पास का हिस्सा कड़ा होता है, इसे भी हम निकाल देते हैं। नहीं तो ये जब हम सब्जी बनकर तैयार होती है तो ये कड़ा हो जाता है हिस्सा, और हमारे गले में फंसने का डर रहता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप बीज छिलते हैं तो उसके पास वाला जो हिस्सा होता है, कड़ा होता है, इसे निकाल दीजिए। और फिर आपको जितने बड़े पीस रखना है उस पीसेस में कट कर लीजिए। देखिए हमने कढ़ाई रख लिया है और गैस ऑन कर दिया है। इसमें 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो चुका है। अब ये मसाला डाल देते हैं। देखिए तेल छोड़ने लगा है मसाला। अब हम इसमें ये नमक मिर्च और हल्दी डाल देते हैं। इसे भी 1/2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। मिर्च हल्दी भी भून चुकी है। अब हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। देखिए टमाटर भी भून चुके हैं। अब हम ये कटहल डाल देंगे। इसे हमने पानी से अच्छे से धो लिया है कटहल को। अब हम ढक्कन ढाक देते हैं और इसे 20 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे और अगर आवश्यकता हो तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अभी कटहल नहीं पकी है। 5 से 7 मिनट और पकाना है हमें। मैंने पानी नहीं डाला है। अगर आपको थोड़ी गीली पसंद आती है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, वो भी 5 से 7 मिनट के बाद, क्योंकि हमें मसाले में ही इसे पहले भुनना है 5 से 7 मिनट, और उसके बाद अगर पानी डालना है तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। देखते हैं कटहल पक चुकी है क्या। देखिए 20 मिनट में पूरी कटहल पककर तैयार हो गई है। एक पीस को हम थोड़ा दबा के देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से कटहल पक चुकी है। इसे पकने में हमें 20 मिनट लगा है और पूरी प्रोसेस में 1/2 घंटा लगता है कटहल की सब्जी बनाने में। और हमें एकदम धीमी आंच में इसे पकाना है। और मैंने पानी नहीं डाला है, एकदम ड्राई बनाई हूँ। अगर आपको थोड़ी गीली बनाना है तो आप पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा। वैसे ड्राई बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी, रोटी या पराठे के साथ खाइए। चलिए अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। फ्लेम बंद कर दिया। देखिए मसालेदार कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये कटहल की सब्जी। आप इसे ज़रूर बनाइए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।